प्राइम न्यूज और एक बार फिर से मैं लोकसभा 2019 से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और ये जो मुद्दा है ये जुड़ा है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, बीजेपी लगातार यहाँ पर फिर से प्रचंड बहुमत पाने के लिए अपनी जोरों शोरों से कवायद शुरू कर चुकी है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर 71 सीटें जीती थी, 70 से 71 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। और साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत जो हासिल किया था बीजेपी ने, उसको बरकरार रखना चाहती है बीजेपी साल 2019 में। लेकिन अभी आपको बता दूं, जो उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, अभी हालिया अगर बात करो फूलपुर, नूरपुर, गोरखपुर और कैराना में, वहां का जो रेशियो निकल कर सामने आया था, अगर मैं फिलहाल भी गोरखपुर और फूलपुर का जिक्र करूं, तो उसमें ये कहा गया था कि जो ओबीसी वोटर है जो वहां पे मुस्लिम है, दलित है, इन तीन लोगों की गणित ने बीजेपी को हरा दिया था गोरखपुर और फूलपुर से। हालांकि गोरखपुर में बीजेपी का वर्चस्व 1990 के बाद से लगातार रहा था, मटका वहां पे कब्जा रहा था, योगी आदित्यनाथ वहां से सांसद रहे थे लगातार। लेकिन अब बात करूं अगर मैं फूलपुर की, तो वहां पे फूलपुर में हमेशा समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा। हालांकि साल 2014 में वहां पर केशव प्रसाद मौर्य सांसद चुने गए, लेकिन अब वो वहां पे डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो वो सीट खाली हुई, उस पर चुनाव हुआ तो वो बीजेपी के हाथों से खिसक गई सीट। मैंने बात की ओबीसी वोटर की, गोरखपुर और फूलपुर के बाद जो वहां पे एक्सपर्ट्स की राय आई, जो पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सियासी जानकार हैं, उन्होंने क्या कहा, वहां पे सबसे बड़ी वजह ये सामने आई कि जो ओबीसी वोटर था और जो मुस्लिम और दलित का रेशियो था, वो तीनों एक खेमे में आ गया और संवर्ण अकेले पड़ गए। इसमें क्या हुआ कि जो तीनों वोटर थे, उन तीनों वोटर ने जमकर वोटिंग की सपा और बसपा के गठबंधन को, बीजेपी वहां पर एक तरफा हो गई और यही बड़ी वजह सामने आई बीजेपी की हार की। हालांकि वजह और भी थी, विकास का मुद्दा था, गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल का मुद्दा था, और 4 साल के कार्यकाल का मोदी का असर भी उसमें, पीएम मोदी के कार्यकाल की भी कहीं ना कहीं उसमें धज्जियां उड़ी थी कि इस तरह से पीएम मोदी ने जो कहा था शायद उस कथनी और करनी में यूपी की आवाम को, गोरखपुर की आवाम को, फूलपुर की आवाम को कुछ सही नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने वोट की ताकत से समझा दिया बीजेपी को। अब ऐसे में बीजेपी को इस बात का एहसास है कि ओबीसी वोटर, क्योंकि आपने देखा होगा जो बजट पेश हुआ था फरवरी में, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने ओबीसी को लेकर कुछ चीजें नहीं कही थी। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है ओबीसी को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक मुश्किल भरा टास्क हो सकता है, क्योंकि साल 2014 का अगर जिक्र करूं तो वहां उसका उसमें जो गणित सामने आई थी, उसमें कहा गया था कि ओबीसी ने, मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो ओबीसी है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वोट किया था पीएम मोदी को। जो बड़े बड़े जो करोड़पति, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे मिडिल क्लास की बात बहुत बड़ा जनाधार के तौर पर उभरा था बीजेपी के लिए साल 2014 में, और ओबीसी भी उभरे थे बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट के तौर पर। अब उसी ओबीसी को रिझाने के लिए उत्तर प्रदेश ने बीजेपी ने बहुत बड़ी रणनीति का दाव चला है, बहुत बड़ा दाव खेला है, और इसमें कुर्सी जा रही है किनकी, भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष जो हैं महेंद्र नाथ पांडे की। अब महेंद्र नाथ पांडे को हटाया जा सकता है और वहां पर किसी ओबीसी नेता को इस पद की कमान सौंपी जा सकती है। नेता कौन है ये अभी, इसकी बहुत सरगर्मियां चल रही हैं, बहुत से नेताओं के बयान नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब कौन बनाया जाता है ये नहीं पता। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि जो है बीजेपी जो है यूपी को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती है, क्योंकि यूपी से कहते ना, दिल आपके दिल का, अगर दिल बंद हो गया तो समझिए सब कुछ बंद हो गया। तो यूपी जो है वो देश का हार्ट है, अगर यहाँ पर बीजेपी यहाँ के हार्ट यानी यूपी का जो देश का हार्ट है यूपी, और यूपी की आवाम का अगर दिल जीतने में कामयाब होती है बीजेपी, तो समझिए आसानी से सरकार बना सकती है अगले साल। लेकिन अब इसके लिए बीजेपी ने क्या दाव खेला है वो मैं आपको बताती हूँ। या देख सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को भरपूर तवज्जो दे रही है, और रिपोर्ट के मुताबिक पिछड़ा जातियों के वोटरों को साधने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को बदल सकती है। और एक वक्त चंदौली से सांसद महेंद्र नाथ पांडे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसे में मैं आपको बता दूं एक रेशियो सामने आया है, रेशियो ये है कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में 52 से 53% है, और इनमें से यादवों की आबादी 8% है। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा में गैर यादव ओबीसी वोटों की सफलतापूर्वक गोलबंदी अपने पक्ष में की है, ये देखिए। लेकिन SP BSP के एक प्लेटफॉर्म में आने की वजह से बीजेपी को वोट बैंक में सेंध की शंका है, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया गोरखपुर और फूलपुर में हुए उपचुनाव का। अब ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट में बीजेपी के एक नेता ने ये कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पिछले सप्ताह यूपी यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, और जातीय रूप से अहम उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ठाकुर समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट बेस मुख्य रूप से पूर्वांचल और गोरखपुर में है। वर्तमान अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वो भी पूर्वांचल से ही हैं। उनका संसदीय क्षेत्र चंदौली वाराणसी के करीब है और पीएम मोदी भी वाराणसी से ही सांसद हैं। और सूत्रों के मुताबिक अगर महेंद्रनाथ पांडे से अध्यक्ष पद की कुर्सी ली जाती है तो उन्हें किसी राज्य में राजभवन भेजा जा सकता है ताकि ब्राह्मण लॉबी को खुश रखा जा सके। और रिपोर्ट के मुताबिक एक नेता ने दावा किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में संगठन में तब्दीली की जाती है तो राज्य के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। और इसके अलावा वो अमित शाह के काफी विश्वस्त और करीबी कहे जाते हैं। और स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी में पार्टी महासचिव भी रह चुके हैं और संगठन के कामों में अच्छा खासा उनके अनुभव भी है। और साल 2016 में जब यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की रेस हो रही थी तो उनका नाम सामने आया था, तब बीजेपी ने फूलपुर सांसद केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना दिया था। यानी कि जब 2017 में चुनाव हुए थे यूपी में तो उससे पहले स्वतंत्र देव सिंह का नाम सामने आया था, लेकिन वहां पे अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपी थी। लेकिन अब ये हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य अब वहां पे डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में ये हो सकता है कि अब वहां पर अध्यक्ष पद की कमान संभाले स्वतंत्र देव सिंह। नया नाम है, हालांकि इतने जाने माने नेता नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड सामने आ रहा है। और जो बीजेपी नेता है उन्होंने कहा है, क्या कहा है वो भी जान लीजिए। पार्टी के ओबीसी नेताओं में एक धारणा बनती जा रही है कि हालांकि उन्होंने पिछले दो चुनाव यानी कि 2014 और 2017 में बीजेपी को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। और रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी धारणा को तोड़ने की कोशिश कर रही है और यूबीसी की जो संख्या है वहाँ पर 52-53% है, यानी प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में ओबीसी का वो 52-53% है और 8% यादव हैं। अब आप समझ गए किस तरह से अब बीजेपी जो है वो दाव खेलने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में। महेंद्र नाथ पांडे को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन हाँ उन्हें कुर्बान किया जा सकता है लेकिन उनको खुश करके भेजा भी जा सकता है। कहाँ पर? राजभवन भेजा जा सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी उनका प्रमोशन ही होगा, उनका डिमोशन नहीं करेगी बीजेपी। लेकिन हाँ ओबीसी को साधने के लिए क्या खेलेगी, आप किसका नाम है, नाम तो अभी फिलहाल एक ही शख्स का सामने आया है, स्वतंत्र देव सिंह जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं। लेकिन क्या स्वतंत्र देव सिंह उस तरीके से पूरे ओबीसी को लुभा पाएंगे? यादव ओबीसी में बहुत सी जातियां आती हैं, अनगिनत जातियां हैं, किस किस पे खेलेगी बीजेपी दाव? क्योंकि अब बनिया समुदाय की बात कर लें, आप यहाँ पर यादव समुदाय की बात कर लें, या फिर कहीं और चीज़ों की बात कर लें, जो यहाँ पर बनिया जात है और जो यादव जाति है और जो वहाँ पर कुर्मी हैं, बहुत सी जातियाँ हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसकी पूरी गणित बिठा रही होगी। अभी से आत्ममंथन शुरू हो गया है और शुरू होना जरूरी भी है क्योंकि समय बहुत कम है। और अभी साल के अंत में जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव उसकी तरफ भी बीजेपी को रुख करना है, तो उत्तर प्रदेश पे पहले फोकस कर लिया जाए, वहां पे सारी रणनीति बिठा ली जाए ताकि वहां आके आने वाले समय में कोई संकट ना पैदा हो। इसके लिए बीजेपी अभी से यूपी का दाव खेल रही है। देखिए ना, कल बीते कल पीएम मोदी आजमगढ़ पहुंच गए, उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लॉन्च कर दिया। अखिलेश यादव ने क्या निशाना साध दिया कि वो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था, बस बीजेपी ने क्या किया, समाजवादी हटा दिया और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लॉन्च कर दिया। अब पूर्वांचल से ही दाव क्यों खेला बीजेपी ने, ये भी अपने आप में बड़ा विषय है। पूर्वांचल एक ऐसा हिस्सा कहा जाता है उत्तर प्रदेश का जो काफी वहां पर हिंदुत्व की एक बयार कही जाती है। हालांकि देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में ही इसकी बयार है बीजेपी के मद्देनजर, लेकिन हाँ अगर मैं यूपी के पूर्वांचल की बात करूँ तो पूर्वांचल में एक हिंदुत्व की बयार कही जाती है। वहां से कई बाहुबली नेता, मुख्तार अंसारी का जिक्र करूँ, यातिक अहमद का जिक्र करूँ या मुन्ना बजरंगी का जिक्र करूँ, किसका जिक्र करूँ, सब वहीं से आते हैं पूर्वांचल से। एक पूर्वांचल गढ़ है। अगर पूर्वांचल में जिस पार्टी ने अपनी एक पैठ बना ली तो समझिए वो वहां पर यूपी में भी अपनी सरकार बना सकता है। मतलब कि यूपी में, अगर विधानसभा का जिक्र कर रही हूँ, यूपी में सरकार बना सकता है और उसी से वो लोकसभा में भी जा सकता है। यानी पूर्वांचल, इसीलिए वहां पर पीएम मोदी ने बड़ा दाव खेला आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस से लॉन्च करके। वो पूरा जो पूरा जो कुनबा है वो पूरा पूर्वांचल, आपको पता है कि गोरखपुर पूर्वांचल में आता है और वहां से योगी आदित्यनाथ को करारी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के दौरान वहां पर बीजेपी हार गई थी। अभी बीते दिनों जो उपचुनाव हुए थे मार्च में, जो गोरखपुर में उपचुनाव सामने आए थे, सोचिए जरा, तो उसमें वो सीट किस तरह खिसकी उसका इल्म था पीएम मोदी को, इसीलिए उन्होंने पूर्वांचल पे सीधे दाव खेल दिया। वहां से बहुत से लोगों की कनेक्टिविटी है, केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र करूं या फिर बात करूँ योगी आदित्यनाथ की बात करूँ, खुद पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं, बहुत बड़े बड़े नेता वहां से आते हैं पूर्वांचल से, जो इस वक्त केंद्र कई मंत्रालय भी संभाल रहे हैं केंद्र में बैठ के। तो ऐसे में बीजेपी ने बहुत सोच समझ के ये रणनीति खेली है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर।
लेकिन अब ये देखना होगा जो यहाँ पर ओबीसी का अब दाव खेले, पहले विकास का दाव खेला बीजेपी ने, अब दाव खेल रही है वहां पे जाति का लेकर। अब देखना है बीजेपी का ये दाव कितना सफल होता है। और महेंद्र नाथ पांडे, जो खबर ये अंदर खेमे से खबर है, अब इसकी पुष्टि SPN9 न्यूज नहीं कर रहा है, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन हाँ ये अंदर खेमे से खबर सामने आई कि महेंद्र नाथ पांडे को हटाया जा सकता है और वहां पर अब ओबीसी नेता जो है यूपी अध्यक्ष की कमान संभाल सकता है। नाम मैंने आपको बता दिया, स्वतंत्र देव सिंह उनका नाम है, जो कि इस स्वतंत्र देव सिंह जो कि इस पद की कमान संभाल सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अब बीजेपी जो है यूपी को वहाँ की जो रणनीति है उसको बहुत बारीकी से देख रही है, समझ रही है, और उपचुनाव का उसे हश्र बहुत अच्छे से याद है। सपा बसपा के गठबंधन से कहीं ना कहीं बीजेपी की नींदें उड़ी हुई हैं, उनको लग रहा है कि अगर कोई दाव नहीं खेला, कोई जाति समीकरण नहीं, क्योंकि गोरखपुर फूलपुर में जाति समीकरण सबसे बड़ी वजह बना था बीजेपी की हार की, तो ऐसे में अगर सपा बसपा का गठबंधन अगले साल कंटिन्यू है तो ऐसे में सोचिए जरा कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हैं। और इसी को साधने की तैयारी कर रही है बीजेपी, अब देखते हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि कब तक की जाती है। लेकिन हाँ, अब महेंद्र नाथ पांडे को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि बहुत कम ही चर्चाओं में रही है महेंद्र नाथ पांडे, उनका इतना वर्चस्व नहीं रहा है जिस तरह से अगर देखा जाए तो, और उनमें उनकी कार्यशैली भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा बेबाक तरीके से नज़र नहीं आती है कि उस पर बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा विश्वास बहुत ज़्यादा फायदा हो। और अगर मैं जिक्र कर दूँ महेंद्र नाथ पांडे का, तो गोरखपुर फूलपुर में हार की वजह उनको भी गिना जाता है, क्योंकि गोरखपुर से जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था महेंद्र नाथ पांडे ने, उस पर राजी नहीं थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था नहीं इस शख्स को यहाँ से खड़ा मत करो, लेकिन महेंद्र नाथ पांडे और जो पार्टी के और बड़े नेता थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बात को काट दिया। उसका परिणाम क्या हुआ, बीजेपी वहां से हार गई लोकसभा का उपचुनाव। सोचिए जरा, उसके बाद से हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें बड़ी हों, अमित शाह ने अपने यहाँ पर गणित लगाई हो, अब उनको तो एक चीज़ एक ओहदा ऊपर ही भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि कब बीजेपी इसकी आधिकारिक पुष्टि करती है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने दाव खेला है। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट सामने आता है और क्या यह दाव बीजेपी के लिए वाकई कारगर साबित होता है अगले साल लोकसभा 2019 में। देखते हैं, बने रहिए आप SPN9 न्यूज के साथ। SPN9 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।